नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आशा के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ तो मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ना फिर से बारिश आने का आशंका हो रहा है। देखिए बादल ना कितने काले हो गए हैं वहाँ, और इस तरफ देखिए कहीं सफ़ेद हैं कहीं काले हो गए हैं, और हवा देखिए कितनी तेज़ से चल रही है। तो मैं देखिए ये कपड़े हैं ना जो मैंने सूखने को डाले थे लेकिन सूखे नहीं हैं। बस तो लगता है ना आज लाइट आएगी नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही है और आज अभी लाइट है भी नहीं। अब देखो लाइट आती है या फिर नहीं आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि कपड़े ना गंदा आने लगते हैं, बदबू देने लगते हैं अगर इन्हें ऐसे ही डले हुए एक जगह छोड़ देंगे। तो ऐसे जब इनमें हवा लगती रहेगी तो बेशक इनमें बदबू नहीं आएंगे, लेकिन बारिश वाले कपड़ों को अगर रख दो थोड़ी देर तक तो उसमें से अजीब सी बदबू आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। कपड़े मैंने दोस्तों डाल दिए हैं, अब यहाँ पे आ गई हूँ जो मैंने कल जो काम किया था उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने आ गई हूँ, क्योंकि शाम का समय लगभग हो गया है और अभी ऐसा लग रहा था मुझे बारिश आने वाली है। तो नीम की पत्तियाँ यहाँ पे गिर गई थी, वही मैं झाड़ू लगा रही थी, वरना वो चिपक जाती हैं धरती में। यहाँ पे दोस्तों रखी हुई थी कुछ गीली हो जाएंगी ये लकड़ियाँ, तो इसलिए इन लकड़ियों को मैंने इस साइड रख दिया है। और आस्था चाट खाने में लगी हुई है, आस्था के खिलौने भी सजा दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो चबूतरा एक बराबर कर दिया है तो आस्था के खिलौने सजाने लायक जगह हो गई है, लेकिन आस्था टिके रहने नहीं देती एक जगह। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आस्था चाट खा रही है, ये भुक्कड़ हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती है। और ये मेरी है, ये मैं खाऊंगी। और दोस्तों हमारे यहाँ बारिश आना शुरू भी हो गई है, और वो वाली दीवार मैंने अभी ढकी नहीं है, तो ढक देती हूँ मैं जल्दी से। फाइनली दोस्तों सामान हटाते हटाते ना फिर भी सामान रह ही गए उधर, और चाट मेरी ठंडी भी हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने पन्नी लगा रही थी वहाँ कोने में, यहाँ यहाँ कोने में, और छिपकली निकल गई अचानक से, मैं डर के भाग गई। ये रही दोस्तों चाट, पता नहीं कैसी होगी चाट, आस्था भी खा रही है। तो आ जाइए दोस्तों, आप सभी भी खा लीजिए चाट, 5 रुपए की चाट है ये। तो दोस्तों ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, जब गांव में ऐसे बारिश होती है तो जितने भी सामान बाहर डाले होते हैं पहले तो अंदर करो, ये काम करो वो काम करो। फिर मेरे को ना अचानक से ध्यान आ गया था कि मैंने दीवार नहीं ढाकी, दीवार गीली हो जाएगी अगर बारिश, अगर वाकई में तेज आ जाती बारिश और होती रह जाती तो वहाँ जितना मेहनत हमने किया था पहले ब्लॉग में तो वो सारा खराब हो जाता। तो इसलिए जल्दी जल्दी पन्नी से ढकने के लिए ना पन्नी मैंने ऊपर से निकाला और मैंने देखा नहीं कि उसमें छिपकली थी, और मैं जल्दी से दीवार ढकने लगी। तब तक मैं वो छिपकली मुझे दिख गई बहुत तेज की, मैं डर गई थी, ऐसे छिपकली को देख के बहुत डर जाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों शाम का समय हो रहा है और खाना पीना बनाने लगी हूँ, तो आज सिर्फ बना रही हूँ बैंगन का भरता, क्योंकि कभी कभी सिंपल खाना ना खाना बहुत पसंद है, और सिंपल खाने में यही हो गया भरता हो गया चटनी हो गई। लेकिन आस्था के पापा का आज मन था भरता खाने का, बैंगन का भरता और टमाटर का भरता, तो यहाँ पे भरता तो मैंने बना लिया था और अब बनाने लगी हूँ रोटी। तो मेरे घर में भी कभी कभी ना सिंपल खाना हम लोग खा लेते हैं, ये नहीं कि मसालेदार चाहिए, एक टाइम मसालेदार होना चाहिए और एक टाइम अगर
रूखा सूखा भी होगा तो चल जाएगा। तो ये घर ना सही रहते हैं, मतलब दोनों टाइम सब्जी बनाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा अंधेरा हमारी तरफ हो गया है और मैं रोटी बना रही हूँ, और आप देख रहे होंगे उधर एक बोतल पड़ी है। तो मैं खाना जब भी बनाती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि गर्मी लगने लग जाती है, और गर्मी जब लगती है तो पानी पीते पीते पूरा खाना मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों अब हो गया है शाम का समय, और ये देखिए शाम हो गई बिल्कुल, और खाना पीना बना के ना बिल्कुल पसीने से भींज गई हूँ मैं। तो अब जा रही हूँ हाथ मुंह धोने, हाथ मुंह धोऊंगी उसके बाद चाय पीऊंगी। चाय चढ़ा दी है, जब तक मैं चाय बन जाए। तो शाम का समय हो गया है दोस्तों, और देखिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है, और नर्दा की भी रिपेयरिंग मैंने कर दी है। कलर का काम बस स्टार्ट होना ही है, और जैसे ही मतलब बारिश का आशंका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जबकि आज भी बारिश हुई थी, हल्की सी बारिश हो गई थी, ज़्यादा नहीं हुई, सही रहा, वरना ये सारा काम मेरा बर्बाद हो जाता। तो यहाँ पे मैं हाथ मुँह धो ली हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, खाना बनाने के बाद गर्मी लगने ही लग जाती, और ये जो महीना चल रहा है ना इसमें कड़ाके की गर्मी पड़ती है, क्योंकि मौसम ख़त्म होने वाला है ये इसके कारण। तो दोस्तों अभी बाहर बच्चे खेल रहे हैं, और शाम का समय हो गया है, लाइट भी देखिए नहीं है, तो लाइट बहुत कम ही रहती है यहाँ पे। चाय बन गई है, हाथ मुँह धो के आ गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। अरे भैया टॉर्च नहीं जलो, टॉर्च के बगैर ही बहुत अच्छी वीडियो बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे चाय छान दी है, देखिए कीड़ा आने लगेगा तुरंत रोशनी में। अब दोस्तों पीने लगी हूँ चाय, और बढ़िया मोर की आवाज़ आ रही है, मोर चिल्लाते हैं शाम और सुबह को। तो यहाँ पे आस्था पापा के लिए चाय ले जा रही है। दोस्तों देखिए शाम का कितना प्यारा समय हो रहा है, और मोरों की आवाज आ रही है। अंधेरा है, लाइट क्योंकि है नहीं। तो दोस्तों अंधेरा होने से पहले ही खाना पीना बना लिया था, हाथ मुंह मैंने धो लिया था, चाय भी पी ही ली है। वैसे तो चाय लेट पीती हूँ, लेकिन आज मैंने जल्दी चाय पी ली है। और आस्था यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही है, क्योंकि दोनों खटोलियों पे बिस्तर लगाने हैं, बिस्तर ख़राब हो गए थे, मतलब सुबह मैंने नहीं झाड़ पाए थे, तो अभी मैं जरिया दे रही हूँ बिस्तर, और मैं और आस्था दोनों ही मिलके खटोली के कपड़े लगा दे रहे हैं। तो वो वाली जो खटोली है वो आस्था की है, और ये है आस्था के पापा की। तो आस्था ने बोला चलो चेंज कर लेते हैं, आप वो वाली खटोली सजाओ और मैं ये वाली, तो वही है, हम दोनों मिलके मिलवाट के काम कर रहे हैं। तो आस्था तो इतना काम तो करा ही देती है, और पढ़ाई भी इसने थोड़ी सी कर ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे दोस्तों मेरा कूलर चालू नहीं हो रहा है ना, तो कूलर में मतलब उसकी पंखुड़ियाँ अगर डंडे से घुमाएंगे तो चालू हो जाएगा, तो ऐसे आजकल हो रहा है मेरे कूलर के साथ, और चालू नहीं होता है। जब से एक बार लाइट डिम हो गई थी तब से ऐसा हो रहा है कूलर में। तो यहाँ पे दोस्तों रिमोट नहीं मिल रहा है, रिमोट हम दोनों ही ढूंढ रहे थे, तो आस्था भी रिमोट ढूंढ के देगी, पहले वो एक चद्दर सजा ले, उसके बाद। तो यहाँ पे हमने टीवी चालू कर दिए। तो दोस्तों अब हो गया है टाइम हमारे टीवी देखने का, तो हम देखेंगे टीवी और हम देखेंगे सीरियल। तो अब बस सीरियल चालू करते हैं। तो देख लीजिए शाम का रूटीन यही है, रोज डेली का यही रूटीन है, खाना पीना बना के आराम से आके हम टीवी देखते हैं। वैसे तो आज लाइट लेट से आई, वरना मैं चाय पीती हूँ जब लाइट आ जाती है, और कूलर की हवा में बैठ के आराम से चाय पीते हैं। चूनू को तो तुमने पता नहीं क्या कर रखा हो, सदमा सा लग गया हो चूनू को। और दोस्तों आस्था के पापा बैठे हैं दुकान में, और जब वो दुकान से आ जाएंगे तब हम लोग खाएंगे खाना। और लेकिन आस्था को अगर भूख लगी रहेगी तो आस्था खा लेगी पहले, आस्था हमेशा ही पहले ही खा लेती है ना आस्था। मेरे को आज भूख नहीं लगी।
भूख भी नहीं लगी आज, तुमने पढ़ाई भी नहीं की। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई है सुबह और मैं आस्था के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो पहले सूजी को ऐसे चाल ले रही हूँ क्योंकि बरसात के रखे हुए हैं, सूजी खराब ना हो गए हों कहीं। तेरा इतना सूजी का हलवा बना दूंगी मैं। तो जब से दोस्तों एक बार डांट पड़ गई थी मुझे खाना ना बनने पर, लेट हो रहा था खाना बनने में, तब से मैंने सोच लिया कि सुबह सुबह कुछ ना कुछ बना लेना है, जिससे ऐसा ना हो कि दोपहर तक अगर खाना बनता है तो भूख लग जाए। और भूख रास्ता देखिए दोस्तों, वहाँ पे नहाने में लगी हुई है, वहाँ नहा रही है नहाता में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रवा ना बिल्कुल भूंज दिया, डाल दूंगी पानी। यहाँ पे दोस्तों चाय भी बन चुकी है तो चाय भी छान दूंगी। तो दोस्तों देखिए हलवा भी बन गया है, सुबह का काम हो गया है, नाश्ता बन गया है, आस्था स्कूल ले जाएगी और ये भी खा लेंगे। नाश्ता हो रही है तैयार, नहा के आ गई सुबह सुबह, आज बाल नहीं धोए है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्था बिल्कुल तैयार हो गई है, मैंने एक पैन दे दिया, इसके पास पैन नहीं था तो, और इसको तैयार कर दिया अच्छे से, चोटी ओटी कर दी है मैंने इसकी, लंच पैक हो गया है और आस्था जा रही है स्कूल। आप सभी को कह रही है राधे राधे। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा है, आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।